अरे बेदर्दो, नन्ही सी जान को भूखा रखते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अब समझ में आया तुझे आखिर बच्चा क्यों नहीं हुआ। हमारी दया पर जीने वाला इसकी वकालत करता है। से तुझे इस घर में देखा तो जला के राख कर दूंगा। अबे चुप कर, हट। हनुमान जी, आपकी कृपा से मेरे भैया को नौकरी मिल गई। हमारे परिवार में कोई भी कष्ट ना आए, आपको कृपा करनी होगी। हे भगवान, मेरी बहन और उसके पालतू बंदर को अच्छी बुद्धि देना। ये क्या भैया, भगवान की पूजा करते समय भी मेरा मजाक? और नहीं तो क्या, तुम्हारे हाथ में पैसे दिए मैंने लॉन्ड्री में जाके कपड़े लाने के लिए, तुमने बंदर के हाथ में दे दिए। पता नहीं वो किस झाड़ पे जाके बैठा है। भैया, मेरे रामू को इतना बेवकूफ मत समझिए। इस जमाने में आप चाहे कितने ही पैसे क्यों ना दें, आपको इतना काम करने वाला नहीं मिलेगा। रामू की कोई बात भी तो सह नहीं सकती। लक्ष्मी, मैं एक साधारण पोस्टमैन का काम करता हूँ। अगर मैं पहले दिन ही देर से पहुँचा तो मुझे अंदर घुसने नहीं देंगे, तेरा आना बेकार है कहकर मुझे वापस भेज देंगे। भैया चिंता मत कीजिए, रामू इस वक्त तो लॉन्ड्री से कपड़े ले चुका होगा। संभाल के ले जाइए, लो। कहो, इतनी दूर से गाड़ी लेके आके बनता है, नो एंट्री में दिखाई नहीं पड़ता है का तो का? माफी मांगत हो, तुम कितना भी माफी मांगो हम तो का छोड़ब नहीं। आज तो का मोबाइल कोर्ट में लेके जाए, चला। यो हमारे बारे में अच्छी तरह जान के बा। आप जाओ सर।
जावा। आजा 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 भैया। आप तो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे ना, देखा ठीक से लेकर आ गया, लीजिए। अरे वाह, अरे रामू बहुत थैंक्स। मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, वापस आने में 2 दिन लग जाएंगे। घर की तरफ ध्यान रखना और इस बंदरिया को भी। भैया मजाक कर रहा था। ठीक है टाइम हो गया, जाइए। अरे उठो उठो भी। यमराज आ गए क्या? ए मैं यमराज भी नहीं हूँ और तुम मरे भी नहीं हो। शुक्र करो मेरे रामू ने तुम्हें बचा लिया। क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ काट रहा है। चींटी के काटने का दर्द भी सह नहीं पा रहे हो और तुम मरने के लिए चले हो? हाँ आत्महत्या करना है। ओहो, वो मैं समझती हूँ। क्या कारण है पूछा? अभी मैं कोई भी कारण नहीं बता सकता। क्यों? मुझे बहुत डर लगता है। खाना खाए 3 दिन हो गया, भूख लगी है। भूख से मरने चले थे? देखने में तो शरीफ लगते हो। चलो मेरे घर चलो, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाथ तो सुंदर है। जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। हिम्मत तो है नहीं और मरने के लिए चले थे। डालिए शायद तुम्हें कोई याद कर रहा है। मुझे याद करने वाला कौन है? गाली देने के लिए पूरा परिवार ही है। खा लूं? बेचारे से भी भूख लगी लगता है। अच्छा मैंने जो पूछा उसका तो जवाब ही नहीं दिया, तुम आत्महत्या क्यों कर रहे थे? मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे। मैं बहुत पैसे वाला हूँ लेकिन एक टाइम खाने के लिए कितनी मुसीबत उठा रहा हूँ मैं जानता हूँ। मेरी मौसी और उसका भाई मेरी जायदाद पर कब्जा कर तुम नहीं जानते मुझे कितना मारते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्यों सुबह सुबह पी ली? अरे नहीं दीदी, थोड़ी सी ब्रांडी चढ़ा ली थी बस। भाई जी ब्रांडी तो बहन क्या जिन? चुप कर, वो कहाँ है? कौन तुम्हारा घर वाला? हाँ वही। हम सब मिलकर उसको कामचोर आलसी हमेशा कहते रहे ना, आज वो अपनी खुददारी पे उतर आया है, कुछ कर रहा है। देख लो। अरे 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 ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो मछलियां मर जाएंगी। अरे जाल फेंका है। अरे मेरे बेवकूफ जीजा, उसके लिए इस तरह घर में मछली पकड़ते हैं? अच्छी बात है, तो इसके लिए क्या मैं समुन्द्र में जाके या नदी किनारे जाके पानी में उतर के क्या मछली पकड़ना सीखूंगा क्या? इंडियन लोग बहुत टाइम खराब करते हैं। दीदी कैसे तुमने इस आलसी आदमी से शादी कर ली? अब मैं क्या बताऊं भैया, शादी वाले दिन पता क्या किया इसने? सब कुछ मत बताना भाई। चुप। पंडित ने मंगलसूत्र दिया तो ये नींद की खुमार में खड़े होकर झुककर झूलते रहे और पंडित से कहा आप भी भाग लीजिए। ऊपर से कहता लव मैरिज। हाँ। आलसी कामचोर। ए तू किसे कामचोर बोल रहा है? मैं तेरी दीदी की तरह पूरा शहर शहर गांव गांव नहीं घूमता रहता हूँ बेकार में, बल्कि घर में बैठ कर रखवाली तो करता हूँ। है कि पूरे शहर को ही बेवकूफ बनाता रहता। सुन लिया आपने, अभी के सामने छोटू मोटू खोटू कह रहे हैं। रेडे दो, इन्होंने ऐसे कुछ कह दिया। भैया हमें दिवाली की शॉपिंग करनी थी ना, चले क्या? अच्छा ये कृष्णा कहाँ चला गया? सुनिए पिछले 2 दिनों से इन्होंने आपको खाने को कुछ नहीं दिया, इनकी नजर बचा के खाना लाई हूँ, खा लीजिए। अरे वाह लाओ। अरे लगता है चूल्हे पे सब्जी जल गई। अभी तक गाय ने कुछ नहीं खाया और तूने खाना शुरू कर दिया। दीदी जरा इज्जत से बात करो, बेचारा क्यों कृष्णा भूख लगी है तुम्हें? इतना सुंदर साइन करता है तू। सारी गायों को नहला दिया ना, अब जा संडा साफ कर जा।
उस तरफ क्यों जा रहा है? बेचारे को भूख लगी है दीदी, भूख लगी है ना? चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, बैठो बैठो। अबे घोंचू, इसे खाना। इसे? हाँ कृष्णा, इसे ही खाने को कह रहा हूँ। खाने का अपमान करता और कहता है भूख लगी है, खाना का अपमान नहीं करते कृष्णा। खा ले, खा ना। खा। आप मेरे घर के ऊपर रहते हो और जहाँ गाय रहती है वहाँ मैं रहता हूँ। आप दूध दही खाते हो। खा ले, खा ले ना। दर्द करता है राजा बेचारा, जाके इलाज करा ले। चल दीदी, लौंडे ने बोलना शुरू कर दिया है, अगर इसकी जुबान को हमने लगाम न दी तो ये करोड़ों की संपत्ति हमारे हाथ से निकल जाएगी। ग्रिगेट, अगर हम उस लौंडे की गर्दन मरोड़ दें तो? तुम भी कैसी बात करते हो, तुम भी। रोज रोज साइन लेने से अच्छा है कि वसीयत नामा पर एक बार साइन ले लो। देखा बहन, मुझे खाने भी ना देकर पीट पीट कर मारा मुझे। मेरे लिए तुम क्यों कष्ट उठाती हो? सिर्फ पैसे के लिए वो कितने जाहिल हो गए, ये क्या न्याय है क्या? बोलो। उनके बर्ताव से लगता है वो इससे भी ज्यादा आपको कष्ट पहुंचाएंगे। मुझे डर लग रहा है। अन्याय है, वो तुम्हारा घर है ना, फिर उन्हें बाहर निकालने के बजाय तुम चुपचाप चले आए। तुम्हें जो कहना था कह दिया, लेकिन वो कैसे, मैं ही जानता हूँ ना। अगर मैं वहाँ पर होती ना तो उन्हें रुला रुला कर भगा देती। वो इतना आसान नहीं, वो बहुत बड़ा घर है। ठीक है ठीक है, तुम जाके सो, बाकी बातें सुबह करेंगे, मुझे नींद आ रही। नींद आ रही है? अच्छा कहाँ सोएंगे? क्या मजाक कर रही हो? सुबह मुझे बचा लिया, खाना खिलाया, अब पूछ रही हो कहाँ सोएंगे? यहाँ सोऊंगा। यहाँ? हाँ। भैया भी घर पर नहीं है, और ये सुनिए। कृष्णा गायब है, सारा घर छान मारा लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। क्या कृष्णा गायब है? कृष्णा खो गया है, सिर्फ इस घर में ढूंढने से क्या फायदा, वृंदावन में जाके ढूंढो ना। मैं अपने कृष्णा की बात कर रहा हूँ। ये लो, मैं तो भूल ही गया कि कंस नाम का कृष्णा यहाँ पर है। अब हम चेक पे किससे साइन लेंगे, पैसे के लिए कहाँ जाएंगे? दीदी अपने पति से पूछो, कहीं इसको पता हो। इससे गए हफ्ते कराटे लेके सो रहे थे, इस बार बिना कराटे के ही सो रहे हैं। आलसी कामचोर कहीं क्या? जीजा, जीजू, जीजू, चलो जिंदा तो है। कृष्णा कहाँ गया है आप जानते हैं क्या? लक्ष्मी, जान के भी अनजान बने रहने में ही भलाई है। बेचारा कृष्णा तुम लोगों का टॉर्चर बर्दाश्त न करके घर से भाग गया। वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, मैं उसे ढूंढकर इस घर में वापस नहीं लाई तो मेरा नाम विल्ली नहीं। थोड़ी सी जगह दी तो पूरा फैलने की सोच रहा है। पत्थर मार के खुश होने का बहाना कर रही है। उठो, क्यों मुझे पत्थर मारे हो? मैंने तुम्हें पत्थर मारा? तुमने मुझे पत्थर मारा? तूने मुझे मारा? तुमने मारा? तूने मुझे पत्थर से मारा? तूने? अरे रे रामू, तू ही हम दोनों को पत्थर मार रहा है क्या? क्यों जी, तुमने ही पत्थर मारने को कहा उससे? नहीं,
अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ कर दो। कोई बात नहीं, मार के भी नहीं मारा कह रही हो, फिर भी मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अच्छा उसने पत्थर क्यों मारा? समझे नहीं। हाँ समझ गया। क्या समझे? उसे पत्थर मारने की आदत है। वो नहीं, रामू क्या सोच रहा है पता है? इसी तरह हम दोनों मिलके रामू को पत्थर मारने को कह रही हो तुम्हें? मैं अरे मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। अपनी आंखों से देखा है, उसको बुला के पूछो। क्या है? क्या बात है, जैसे कुछ जानती ही नहीं, रात को 9 बजे ताला जो लग जाता है। नहीं नूनू, 10 बजे खाना खिलाया। अरे देखा, जो मैंने कहा वो सही हुआ ना? हाँ बहन, तुम जवान लड़की हो, एक आदमी को रात में साथ रखा हमारे गांव की इज्जत क्या होगी? आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अरे देखा, खाना सामने पड़ा हुआ था और इससे तो भूख ही नहीं लगी। भाई के ना होते हुए घर में एक लड़का साथ में रखा है, गलत नहीं हुआ? अरे हट परे। देखो तुम जो भी कहो हम विश्वास नहीं करेंगे, तुमने उसे रखा है। जी हाँ मैंने इसे रखा है, ये मेरे आदमी की तरह है, तुम्हें क्या है? आदमी हुए और नहीं तो क्या, पूरी रात मेरे साथ ही था ना, तो फिर मेरा आदमी हुआ ना। कितने घमंड से बोल रही है देखो। अरे इसकी जबान तो बहुत चलती है। आ भाई अच्छे समय में आए, देखो तुम्हारी बहन। अरे दामाद जी कब आए? आज ही आया दामाद जी। दामाद जी मैं तुम्हारा साला हूँ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, मेरी बहन से यही शादी करने वाला है। सब मैं जानता हूँ, शादी का न्योता भेजना है, यही ना? जरूर भेजूंगा, सब लोग खाने के लिए आ जाइए। ओके जाइए। दामाद जी अंदर आइए। दामाद ये क्या कह रहे हैं? अबे चलना अंदर। कौन है तू? बोल कौन है तू? मारी नहीं, मारी नहीं, बोल मारी नहीं। इन्हें मत मारिए। क्यों जी, मैं अपने घर में मार से ही परेशान होकर यहाँ भाग के आया और आत्महत्या करने जा रहा था, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? लगता है ये मुझे मार डालेंगे। आत्महत्या क्यों बहन, ये क्या बोल रहा है? बेचारे हैं भैया, अपने रिश्तेदारों से तंग आकर घर से भागकर आत्महत्या कर रहे थे, मैंने इन्हें बचा लिया। ये बहुत अच्छे हैं, आपने इन्हें गलत समझा है। मेरे लिए किस लिए आप लोग आपस में लड़ रहे हो? मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, वो पेड़ वहीं होगा, मुझे बचाना नहीं। भैया वो जा रहे हैं। जाने दे। उन्हें कुछ हो गया तो? होने दे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो आपकी बहन मर जाएगी। मरने दे। बहन गांव के सामने आपने उसे अपना दामाद मान लिया, इसलिए वो कौन है, कहां से आया है, ये जाने बिना उसे शादी कैसे कर सकता हूँ? उनके बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप उनसे मेरी शादी कराएंगे कि नहीं? ठीक है तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं, आप राजी हैं ये कहिए। राजी हूँ, लेकिन वो कहाँ गया होगा, कैसे ढूंढूंगा उसे? यही हूँ। अरे दामाद जी। साले साहब मैं आपकी बहन को आंखों में बसा के रखूंगा, समझे? क्या हुआ? आंख में लग गया। मौसी, अरे रे, मुझे छुपा लो। क्यों बेटा बिना बताए आ गए? ये लड़की कौन है? यही है लक्ष्मी। लक्ष्मी विवाह? लक्ष्मी मैंने बताया था ना, ये है मेरी मौसी, उनका भाई। नमस्ते। नमस्ते कृष्णा, तेरे बगैर तो घर बहुत सूना पड़ा है। क्यों मौसी पावर कट?
अरे 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 अरे, तेरी मीठी आवाज सुनने को मैं तरस गई थी। राजा महाराजाओं की तरह होने वाला तुम्हारा विवाह इस तरह सड़क पे हो गया। जरा सी बात पर अगर हमने दो चार हाथ उठा ही दिए तो इस तरह घर छोड़ के आ गए। अच्छा जो होना था हो गया, चलो अब तो चलो घर चलो भाई। नहीं मैं नहीं आने वाला, मैं यहीं रहूंगा। माता जी जरा आप ही से समझाइए ना। कृष्णा बुजुर्ग लोग बुला रहे हैं, वहाँ सुखी रहोगे, तुम जाओ। उस आराम के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुप रहो, मैं नहीं आऊंगा। आप हिम्मत से काम कीजिए, मैं हूँ ना, हम चलते हैं। माँ जी मेरी बहन बहुत लाड़ो प्यार से पली है, इसके लिए आप ही सब कुछ हो। ये हमसे कहना होगा, ये तो मेरी बेटी जैसी है, सोने के झूले में बिठा के झुलाएंगे। वही तो, अब दीदी ने भी कह दिया, चलो चलो घर चलते हैं, चलो चलते हैं भैया। आइए जाइए दामा जी, जाइए ना, हम लोग फिर चलते हैं। जी अच्छा। रामू, ये रामू। रामू कौन है ये? डरिए मत, ये मेरा दोस्त है। हाँ। हमेशा मेरे साथ ही रहता ये है। मेरे और लक्ष्मी के साथ ही रहेगा। अच्छा बैठो। महामूर्ख कहीं का, दहेज में क्या लाया देखा बंदर। पानी, घर के अंदर पानी बस रहा। ये क्या भैया आप यहाँ पर हैं? भाभी कब से आपकी राह देख रही है? अरे रे मेरी शादी हो गई, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है सर पूछ के जाइए। अभी तक सासु उखा ही नहीं, कैसे जाऊं? आओ रामू हम सोने चले। अरे रे मौसी। हे कृष्णा, ये क्या है? लक्ष्मी के लिए दूध लेके जा रहा हूँ। तू तो यहाँ पे मुफ्त में पड़ा है, तेरी बीवी को दूध चाहिए? क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत, घर से भाग के जाके तू शादी करके मेरे सामने आके खड़ा होगा? गधा, एक बात कान खोल के सुन ले, तू और तेरी पत्नी इस घर में बिन तनख्वाह के नौकर हो, समझ गए? चल। ए, मेरी जूती साफ कर। छी 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 छी, कैसी बदबू आ रही है? क्यों दीदी, ये दूल्हे राजा क्या कर रहा है? क्यों दिखने रहा है? घर का काम छोड़ के बीवी की सेवा करना चाहता है। बेचारा है दीदी, इस बेचारे से तू अपनी जूती साफ करवा रही है? ए कृष्णा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, आ, आ। ये क्या रो रहा है? रोना नहीं चाहिए रे। चल ये पैर उठा के नीचे रख। अब न हुई ना बात। अरे चुप क्यों बैठा है? पैर दबाने के लिए कहा ना। मैं सब कुछ देख रही थी। अच्छा आप उन लोगों को जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देने लायक है वो, मेरा भी उनको मारने का मन करता है लेकिन हिम्मत नहीं है ना। हिम्मत ही ना, वो मैं आपको दूंगी। आज से
आप वही करेंगे जो मैं कहूँगी। मेरी बात ही आपको माननी होगी। ठीक है, आज से ये डरना वरना बंद करना होगा। ठीक है। अच्छा, अपनी पैंट ठीक कीजिए। इसके ऊपर आती ही नहीं है। ओहो, ऐसे नहीं, शर्म आती है, ऐसा करने से वो डांटेंगे ना। मैंने आपसे कहा ना डरना बंद। आज से आपको अच्छी तरह ड्रेस करना होगा। करूँगा। और मालिक की तरह चलना होगा। चलूंगा, इस घर का मालिक कौन? ओहो, आप ही तो है ना मालिक। मुझे अभी क्या करना है? अभी 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 मुझे गले लगाना होगा। ठीक। ओहो, क्या हुआ? जोर से गले लगा लिया। धीरे से गले लगाना और प्यार से देना। क्या देना है? पहला अक्षर है चू। चू बढ़िया चाहिए, मेरे पास एक ही है। हो, ये नहीं, चुमन। अरे सुनिए ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले क्यों नहीं दिया मुझे? ईश, ये सब शादी के बाद ही देते हैं। अच्छा, और दोनों आप अगर मेरी बात मानेंगे तो सिर्फ एक क्यों, बहुत सारे दूंगी। 100 चू दोगी? ठीक है, तो जो कहोगी वो करूंगा। ठीक है। एक, दो, तीन, पाँच, दस, पंद्रह, 25, 40। क्यों भाभी, ये गाल पे निशान कैसे? हाँ, वो रात को कीड़े ने काट लिया। ओहो, कीड़े ने? लक्ष्मी, लक्ष्मी जान। भाभी, आपका रात वाला कीड़ा आया है। इश, जाओ ना। लक्ष्मी, कैसा है मेरा ड्रेस? आहा, अब आप बिल्कुल घर के मालिक लग रहे हैं। गौरी, भैया का ड्रेस देखा? भाभी, एक ही रात में पॉलिश लगाकर भैया को चमका दिया आपने। बर्तन रिम से साफ करिए, बुद्धि देखिए इसकी। कृष्णा, हेलो। क्यों रे खदे, सुबह सुबह मैं बेड कॉफी पीती हूँ, पता नहीं तुझे क्या कर रही है? गाली दे रही है। इस घर में बेड मिला है वही बड़ी बात है, इस पर बेड कॉफी भी चाहिए ऐसा पूछिए। पूछता हूँ, तुझे इस घर में बेडरूम ही दिया काफी है, बेड कॉफी पूछ रही है? कह दिया। मुझे मुड़ के जवाब दे रहे, तुझे जूतियों से पीटूंगी। कहाँ, हाथ उठा कर तो देखो, तेरे हाथ को मैं गैस में जला दूंगा, ऐसे कहिए। हाथ उठा के देख, तेरे हाथ मरोड़ के तोड़ दूंगा। तेरा हाथ? क्यों रे, बिना इज्जत से मुझसे बात कर रहा है? अगर कुछ देर जाने दिया तो तू तू करके बात करेगा। तू कुछ मत कहो, मैं कहता हूँ जा रही। हाँ? जा, दफा हो जा। अरे अरे अरे, देखो देखो क्या बोल रहा है ये मुझसे, देखो ही तो है, जल्दी आओ सब। अरे देखो देखो, मार डालूंगी तुझे, तू ही सब कुछ सिखा रही ना, ठहर जा, तुझे मैं बताती हूँ। अरे कोई तो आ जल्दी, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। कैसा रहा? कमीने, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी दीदी से अबे तबे करके बात करता है? मारिए मत, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, चल पहले तू मेरे जूते में पॉलिश लगा, चल। Thank you.
कृष्णा, मेरा एक दूसरा जूता कहाँ है रे? यहीं तो है। ओ यहीं पे है, मुझे तो दिखता ही नहीं। धन्यवाद रामू, मुझसे भी बुद्धिशाली हो। टी शर्ट कहाँ से खरीदी? अच्छी है। ये जो सो रहा है यही इस घर का मालिक है क्या? कौन? ये नाम के सिर्फ घर वाले हैं, मूर्ति की तरह सजा के रखा है। इस घर में मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा, तब इसे यहाँ क्यों रखा है? बाहर सड़क पे ऐसी फेंक दो। ऐसा एक आइडिया आया था, लेकिन किसी के घर में पत्नी के लिए पति होना चाहिए ना, इसीलिए इन्हें रखा हुआ है। इस घर में मेरी कितनी चलती है अभी बताता हूँ। कृष्णा, अरे वो बाल कृष्णा। अरे क्या मॉडलिंग कर रहा है? अरे ये क्या, पैंट शर्ट और घड़ी? ये सब छोड़ो, अदब से खड़े रहो, मुंह बंद करो। तेरा मुंह, यही पूरी जायदाद का इकलौता वारिस है। कैसे नाश्ता मेरे इशारों पे, देख लिया ना आपने? अरे ये मेरे दोस्त हैं, काशी मंदिर के लिए 10,000 रुपए देने का मैंने वादा किया है, जल्दी से साइन कर चेक पे। किस मंदिर को? कौन से? नहीं, मैं मंदिर के लिए। जुबान चलाता है मेरे सामने क्यों रे? तुझ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मेरे ही सामने बोल रहा है तू? पैसा लाने को कहा तो लाना चाहिए ना, उसके बजाय जुबान लड़ाता है। क्यों रे? नहीं रे, अरे क्या लगा रखा है? उठ उठ, चेक लाने के लिए कहा तो सीधा जाके लेके आना चाहिए। जा, मगरमच्छ के आंसू बह रहा है, चुपचाप जाके चेक बुक लेके आ, चल। सुनिए क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? वो नौटंकी त्रिमूर्ति है ना, त्रिमूर्ति, उसने मुझे मारा। आपको मारा? हाँ। क्यों? मंदिर के लिए चेक चाहिए पूछा, तो मैंने कहा कि कौन से मंदिर के लिए चेक चाहिए, तो उसने मुझे मारा। ये क्या है जी, कोई आकर आपको मारकर आपके पैसे मांगता है और आप मार खा कर आ गए? जो जो भी देता है उसे लेने की मेरी आदत पड़ गई है। उसके लिए आप मार खाएंगे क्या? हाँ। आपको शर्म नहीं आती? शर्म आती है, तभी तो सर झुका के यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूँ? उसने आपको मारा ना, तो आप भी उसे जाकर मारिए। अरे रे रे, मुझे हिम्मत कहाँ से आएगी? हिम्मत ही चाहिए ना। हाँ। आइए मैं आपको देती हूँ। आप देखना, चेक बुक लाएगा और साइन करेगा उस पे। हाँ। आ गया क्या? मैं अभी लेके आता हूँ। चेकबुक लेके आ गए क्या? हाँ लेके आया है। दे रे। देता हूँ। कहाँ ना दे, सोच रहा हूँ उसके सामने दूँ कि नहीं। उसके सामने देगा तो मेरी इज्जत रह जाएगी। हाँ पहले एक देता हूँ। जैसी तेरी मर्जी। फिर उसके बाद एक और। वो भी ठीक है। दे दूँ। दे रे। मर गया। अरे मर गया रे। कुछ देख लेगा, जो देना था वो दे दिया। तुम्हें मार दिया कुछ उसने? नहीं है, हमारे बीच एक समझौता है, मैं उसे मारूंगा, वो मुझे मारता है। वो पत्नी को मारेगा, पत्नी उसको मारेगी, मैं भी कभी कभी पत्नी को मार लेता हूँ। बाहर किसी को मत कहना इसे। क्यों रे, मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। पैसा कहाँ रे? एक और ले। दो, तीन, चार, पांच, छह। बचाओ! अरे पैर पड़ते हो, दीर्घायु रहो। उठो, उठो। तू अभी तक यहाँ खड़ा है? अरे पापी, तेरी बात सुन के मैं यहाँ आया, मेरा सर फूट गया था। कहता है वो कभी करता नहीं है। क्यों रे, ना मर्द होके भी मूछ रखता है, और मुझे डमी कहा था, मुझे डमी कहने से तू फमनी हो भाई गया। आइए, देख लिया आपने, अपनी पत्नी के बलबूते पर उसे बगल में रख के मुझे थप्पड़ मार दिया। भाई जी, पहले विलन को देख के डिशुम डिशुम करते थे ना, अब करो ना डिशुम।
इसने तुझे मारा? इसी कृष्णा ने। क्यों रे रास्कल? इनके ऊपर हाथ उठाने का इस घर में किसी को हक नहीं। जरा हाथ हटाएंगे आप सब सुधर जाएंगे, इस उम्मीद में मैं थी। लेकिन मैं समझ गई हूँ कि आप कभी नहीं सुधरेंगे। घर के एक कुत्ते की भी इज्जत होती है, लेकिन मालिक होने के बावजूद इनकी कोई इज्जत नहीं। गाय को घास डालते हैं तो इसे क्या डालें? ये भी अनाज खाता है ना, हैं? क्यूरे तुझे जो पड़ी कम है क्या? क्यूरी जुबान बहुत चल रही है तेरी। झोंपड़ पट्टी की गरीब लौंडिया पैसा देखकर महल में आ गई तो खुद को महारानी समझने लगी। गरीब हूँ क्या मैं कि आप? क्यों जी, आप और आपके भाई मेरे घर वाले के टुकड़ों पर पलकर उन्हें मारते और पीटते हैं और कहती मैं बोल रही हूँ। आप सब मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। आज के बाद अगर उन्हें कोई डांटेगा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो या तो आप सबको बाहर जाना होगा या मैं आप सबको जेल भेज दूंगी। ध्यान रहे। आप चलिए जी। क्यों जी, हमें जेल में भेजने की कह रहे हैं? हमें ए क्लास मिलेगा या फिर बी क्लास मिलेगा? सी क्लास क्या? दिन दहाड़े घर में चोरी, पोस्टमैन के कपड़ों में आकर जो घरों में चोरी करता है पुलिस उसे ढूंढ रही है। ये घर में घुसते ही प्यासा हूँ बोलकर पानी मांगता है। रंग सांवला है और घुंघराले बाल हैं। एसपी का जनता से आग्रह है कि सब सावधान रहें। सुना आपने, हमें सावधान रहना होगा। साहब आइए। अरे वाह, स्वागत बहुत ही बढ़िया है। ये बताओ तुम यहाँ की नौकरानी हो? आप क्या पोस्टमैन हैं? दिखता नहीं हूँ क्या? घर में कोई नहीं है? कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। क्यों रे, देखने में तो टिप टॉप लगता है, ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? इसमें शर्म की क्या बात है, कैसे भी तो जीना ही है। अच्छा सुनो, पीने के लिए पानी मिलेगा? पानी? कोई शक नहीं, यही वो चोरे हैं। सोच क्या रही हो? कुछ नहीं, पानी ना, आओ देती हूँ। अरे अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे खोलो ना। भैया चोर, भैया चोर। मैं नहीं। अरे आप नहीं, घर पे आया था, मैंने लॉक कर दिया है। चोर आया है? कहाँ देखा? उस रूम में लॉक कर दिया है। उस रूम में? हाँ। चलो इससे भाग लेते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? चलिए। तुम भी आओ, मुझे डर लगता है। देखा भैया? पहले ही देखा है, बहुत अच्छी पिक्चर। अरे वो नहीं, चोर कितने आराम से लेट के टीवी देख रहा है। ओ, ये वीडियो चोर है? आप जाइए ना। ठीक है, अभी मैं उसे कैसे दबोचता हूँ देखना। संभाल के। साले साहब। भैया आप? क्यों बहन, मजे में हो ना? अच्छी हूँ, आइए कुछ खा लीजिए। ठीक। मेरी प्यारी मधुमती, मैं तुम्हारे प्यार में दीवाना हो चुका हूँ तुमसे। दामाद जी, गलत बात। रुको आता हूँ। साले साहब आओ। राला लीला लालू लीला। अरे आज इतना उछल क्यों रहा है? एक बात नहीं पता है? कहेगा तो मालूम पड़ेगा ना। घर की लक्ष्मी बहू है ना, वो गर्भ से है, उसे बच्चा होने वाला है। कृष्णा ऐसा नहीं कहते। फिर? ऐसा कहते हैं कि वो बच्चा देने वाली है। बच्चा देने वाली कैसे पता है? यही उसकी निशानी है। ओ आप भी बच्चा देने वाले हैं? जा रहे, यूं ही ढील दी तो मुझसे डिलीवरी करवा लेगा लगता है। गौरी बाजार से आ रही हो, खाना क्या आज? आज खाने में आम का आइटम से, आम का अचार, आम का मुरब्बा, आम पड़ी दाल और आम रस। सब कुछ है, आम का बना रही हो, ऐसा क्यों? आप ये बात जानते नहीं है क्या, भाभी के पांव भारी हैं। किसका? मौसी का। अरे आप समझे नहीं क्या, वो पेट से हैं भैया। कौन लक्ष्मी? ये बात है, अभी बताता हूँ। लक्ष्मी के पांव भारी है, अभी जाके मैं वाट लगाता हूँ। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, एक बात तो तुमने मुझे बताया ही नहीं, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। क्या है जी? तुम गर्भवती हो, कब बच्चा दोगी? क्या कहा?
मैं गर्भवती हूँ, मुझे बछड़ा होगा। हाँ, गौरी को मैं आमला दे तुम्हारे लिए देख लिया। ओहो, आप समझते नहीं क्या, गाय को ही बछड़ा होता है। 7 महीनों के बाद हमारा बच्चा पैदा होगा, वो आपको पापा कहेगा। अब भी ना समझे। मुझे पापा कहेगा? अच्छा वो तुमने बता दिया, मुझे ये बात बता ही नहीं थी। अच्छा, आजकल के जमाने के मर्द सभी ना समझ होते हैं, लेकिन इस विषय में हमेशा आगे रहते हैं। हाँ, सब कुछ तुम गलती करके मेरे ऊपर गलती डाल दोगी। मेरी जाने मन दिल रुबा, तुम्हारी मोहब्बत का दीवाना तुम्हारी याद में ये खत लिख रहा है। हाँ, अब देखना मेरे हीरो, इस खत से तुम्हें कैसे परेशान करती हूँ। अभी तक तो आ जाते थे, पता नहीं आज क्यों नहीं आए। आ गए। अरे ये तो जा रहे हैं। हेलो पोस्टमैन, अरे जरा रुकिए दो। अरे कहाँ जाए जा रहे हैं, जरा रुकिए ना। क्या है? अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे लिए कोई खत आया है? नहीं। अरे जरूर खत आया होगा। अच्छी मुसीबत हो गई, नहीं बोल रहा हूँ ना। अरे हाँ आया है। वही तो देखूं। ये लो। अरे रे आंख जल रही है, आंख जल रही है मेरी। क्या हुआ? लाल मिर्च पीस रही थी, उसी हाथ को आंखों पे लगा दिया। अरे कुछ नहीं होगा, हाथ हटाओ। सुनिए, आंख खोल नहीं पा रही हूँ, जरा लेटर पढ़ दीजिए ना। मेरी जाने मन दिलरुबा, तुम्हारी मोहब्बत का दीवाना तुम्हारी याद में खत लिख रहा है। कौन है ये? ये वो कह के बात करोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। वो मेरे वो लगते हैं। अच्छा अच्छा, उन्होंने क्या लिखा है पढ़ो ना। वो लगते हैं। प्रिय, रात को मैं तुम्हें अपनी बाहों में लिया, तुमने क्या किया? आगे पढ़ो ना। सुबह उठ के जब देखा तो वो सपना ही था, सपने में बच्चा तो नहीं हुआ। मेरा बदन गर्मी से उफ़ो कहते हुए शर्माती है। तुझे क्यों शर्म आ रही है, जो लिखा है वो पढ़ना। मुझे कोई शर्म नहीं है, उसने ऐसे ही लिखा है। उसके बाद तुमने क्या किया? वही किया होगा। अब तुम्हारे लिए हजारों लाखों करोड़ों चुमन भेज रहा हूँ, और तुम्हारा प्रिय प्रिय अच्छा प्रिय है, ले पकड़। अरे रुकिए ना। क्या है? बस चिट्ठी ही दे रहे हो, चुम्मन नहीं दोगे? उसने लिखा है तो उसे ही चुम्मन देना होगा, मैं नहीं दूंगा। वो कैसे, किसी और का भेजा हुआ पैसा तुम देते हो, तो उनका भेजा हुआ चुम्मा भी तुम ही दो ना। परेशान मत कर। तुम क्या दोगे, मैं खुद ही ले लेती हूँ। जब से इस घर का मैनेजमेंट चेंज हो गया है, तब से फोकट का खाना भी नसीब में नहीं है, क्या हाल बना रखा है। अभी डॉक्टर की दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? पता नहीं डॉक्टर हाथ से लिखता है पैर से लिखता है। रामू रामू, आ, आ, ये ले, जाके दवाई लेके आ। भैया। क्या है दीदी? लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए यमराज ये रहा। क्या है ये? गर्भ गिराने वाली दवा, अगर इसे दूध में मिला के पिला दे तो कम हो गया। रामू रामू रामू, इधर इधर रामू, ये चिट और पैसे ले जाकर दवाई के दुकान पे जाके इस पे लिखी दवाइयां लेके आ, जा जल्दी आ जा। थैंक यू। लक्ष्मी के पेट का बच्चा मरना चाहिए, और वो भी उसके पालतू बंदर के ही द्वारा। और बंदर भी दुकान को आता है? गर्भ की दवा, लो भाई बंदर भी अब गर्भ गिराने लगे हैं। गर्भ की दवा इनको दे दो, जल्दी गर्भ गिरेगा, पता नहीं किसका दिन खराब है। Thank you.
रामू प्यारे ये ले, लेके जा जा। भैया। दीदी मैंने काम कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका सारा खानदान ही मिट गया। हाँ चलो छुपके तमाशा देखते हैं। विटामिन की दवाई खा चुके हुँ? खाने के बाद पसीने छूट रहे हैं? कूदने का मन कर रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। कुंफू लगता है कुंफू का आविष्कार यहीं से हुआ है। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, क्या पेट के अंदर ही कराटे हो रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। मर गया, क्या करूं अभी, अरे जल्दी कुछ करना होगा। अरे कोई है? अरे गिरगिट क्या हो गया तुम्हें? बंदर विटामिन की टैबलेट लेके आया, उसे खाया, ताकत आएगी समझ रहा था मैं, लेकिन ताकत नहीं आई। अरे ये तो गर्भ गिराने वाली दवा है। गर्भ गिराने वाली दवा, इसका मतलब मैंने जो लक्ष्मी को दिया वो इनकी दवा होगी, विटामिन की। घर में सबको खिला दिया क्या? लगता कोई रॉन्ग नंबर लग गया है। मेरी हालत तो देखो, ये देखो। चुप कर। दीदी बंदर ने दवा बदल दी है, इस बार तो धोखा खा गया, लेकिन अगली बार धोखे में नहीं पड़ूंगा। 30 बार खान है। लक्ष्मी क्या है? सुनिए लक्ष्मी, मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। नहीं मुझे छोड़कर मत जाइए। ए रामू तुम डॉक्टर बुला के आओ जल्दी। क्या बात है? आप बाहर रुकिए, बस बस थोड़ा सब्र करो बेटी, बस बस। कृष्णा तुम्हारे यहाँ लड़का हुआ है। ये बात है लक्ष्मी, प्यारा बच्चा मत रो। लक्ष्मी ये क्या है देखो? ये क्या है जी, फिल्म दिखाने वाले हैं क्या? ये फिल्म बनाने की मशीन है, वीडियो कैमरा। अभी मैं और तुम्हारा बच्चे का फोटो लूंगा। मुन्ना रो रहा है जी। बच्चा रोने ना पाए देखना, रेडी? आंखें खोलो, हंसो, इतना मत हंसो, मुझे भी डर लग रहा। ऑन करूं? मैं भी आता हूँ, रुको। मैं भी आता हूँ। हाँ आ गया, उधर देखो, देखो बुबा, देखो उधर, देख मुन्ना। देखा, पेशाब तो नहीं किया? नहीं 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 किया। ए बुबू इस तरह रो क्यों रहे हो? हंसो, रुको एक। ये सब तो ठीक है, मैंने आपसे कुछ कहा था ना, उसका क्या हुआ? एक बच्ची मांगा दे दिया, अब क्या? ये नहीं जी, पास के मंदिर जाकर हम अपने मुन्ने की मन्नत पूरी करेंगे। ठीक है, कल सुबह ही वहाँ जाएंगे। अभी उसी मूड में बेड पर आके ड्रेस वगैरह उतार के। नहीं मैंने पेटी में रखने के लिए कहा बाबा, आ जा। हुँ।
देने जा रहे हैं। उसके पहले उसकी कहानी खत्म कर दिया तो? वो कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दीदी, इसी गुड़िया से वो बच्चा हमेशा खेलता है ना? हाँ भैया। इस गुड़िया में अगर हम टाइम बम रख दें और इसके उड़ने का टाइम कल सुबह 9 बजे लगा दें तो उनकी तीर्थ यात्रा अंतिम यात्रा बन जाएगी। हम गांव जा रहे हैं और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। वीडियो देखना है, अभी टाइम नहीं, यात्रा से आने के बाद देखेंगे। हाँ चलो। राजा खेलोगे? ये लो गुड़िया। गुड़िया ले, इधर ले। अपने परिवार के अमराज को देखा? मुन्ना क्यों रो रहा है? बच्चे को ना, बंदर ने इससे गुड़िया छीन ली थी इसलिए रो रही है। ओ हाँ हाँ, तुझे आजकल बहुत मस्ती सूझ रही, मुझे दे। तुम चलते चलती हूँ। ठीक है चलो, हम लोग चलते हैं। हाँ अरे रे, इतना क्यों रो रहा है? चुप हो जा, देख देख अपनी गुड़िया को देख देख। क्या हो गया आज इसे इस तरह से रो रहा है? हाँ बैठो। लक्ष्मी ये गुड़िया रख लो। लो, 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 लो। देख देख अपनी गुड़िया को देख। सुनिए वहाँ देखे ना, क्या बात है, आज सुबह से तमाशा कर रहा है। रुको आता। ए रामू, तीर्थ स्थान के लिए जाते समय ऐसा तमाशा कर रहा है, देखो अभी इसके बाद किया तो बहुत पान होगा, समझे? चलो आ जाओ। जरा गाड़ी रुकी। क्या है लक्ष्मी, आज क्यों ये तमाशा कर रहा है? अच्छा तुम बच्ची देखो, मैं आता हूँ लेके। वो देख लेगी, मैं आपके साथ चलती हूँ। हर बात में साथ आओगी, चलो। Oh!
अब तक बम फट गया होगा और वो लोग मर गए होंगे ना? बिल्कुल, अब हमारे रास्ते का सारा कटा साफ हो गया। ये क्या रसोई के मसाले की बातें कर रहे हो अभी? वो लोग मर चुके होंगे, भूल जाओ। क्रिकेट अब उसकी सारी जायदाद हमारी हो गई। कौन है? अचानक गुड़िया फट गई, भैया और भाभी दोनों गुजर गए। क्या गुड़िया में ब्लास्ट हो गया? लगता है शिव काशी में बनाया होगा इसलिए फूट गया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम और बच्चे कैसे बच गए? उस वक्त हम दूरी पे खड़े थे। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, जो होना था हो गया, अब उस पे रोते रहे तो कैसे चलेगा? लक्ष्मी के घमंड को भगवान ने अच्छा दंड दिया है। अच्छा, लाश को जला दिया या फिर उसको दफना दिया? लगता है बहुत तकलीफ उठानी पड़ी होगी। 80 लाई हो, मैं उसे ले जाकर गंगा में बहा देता हूँ। जी, वो लोग मर गए ये जानने के बाद भी इतने कड़वे बोल बोल रहे हैं आप, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? हम क्यों दुखी हो, चले बचा दे, दे चली दरवा। आपकी बातों से लगता है उन दोनों की मौत के पीछे जरूर आपका हाथ है। बच्चा मैं नहीं दूंगी। चली दरवा, बच्चे को चली दरवा। चल चल, इसको संभाल। काम करने वाली तू, चल अंदर। शाबाश, बराबर की विलन है। बिल्ला तू अपना काम कर, बच्चा मुझे दे। मुझे छोड़ दीजिए, बच्चे के रिश्तेदार हम हैं तो तेरा प्यार क्यों बढ़ रहा है? चल अंदर, बात सुनिए। चल अंदर, कमीनी कहीं की। दीदी ये जो हरकत कर रही है ना, उसे मुझे शक हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारा प्लान पता रहा हो, उसे खत्म कर दे। जाने दो भैया, कृष्णा की मौत पे सारा गांव हम पे शक कर रहा है। अब कुछ किया तो हम लोग फंस जाएंगे। इस कमीने को अंदर ही रहने दो। बंदर, मुझे कुछ मत करना, ये ले संभाल ले। बेचारा, भूख लगे हुए बच्चे को क्यों रुला रही हो? कुछ खाने को दे दो ना प्यार से। अबे दयालु जीजा, चुपचाप अपना खाना खा, नहीं तो तेरा प्लेट छीन लूंगा। हो तो दोनों एक ही खानदान के ना, तुम कैसे अलग होगी? अरे बेदर्दो, नन्ही सी जान को भूखा रखते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अब समझ में आया तुझे आखिर बच्चा क्यों नहीं हुआ। हमारी दया पर जीने वाला इसकी वकालत करता है। से तुझे इस घर में देखा तो जला के राख कर दूंगा। अबे चुप कर,
फिर तक। देख बेटा वहां देख, देखो उधर देख पापा भी है, देख आ देखा पेशाब तो नहीं किया, रो तो नहीं, नहीं वहां देखना मन्नत पूरी करने जा रहे हैं, उसके पहले उसकी कहानी खत्म कर दिया तो। दीदी इसी गुड़िया से वो बच्चा हमेशा खेलता है ना? हाँ भैया। इस गुड़िया में अगर हम टाइम बम रख दें तो कल सुबह 9 बजते बजते उसकी तीर्थ यात्रा नहीं अंतिम यात्रा निकल जाएगी। रामू मैंने जो सोचा था वही सही है, वही लोग खूनी है, चल पुलिस स्टेशन चले। उसके लिए तो जिंदा रहेगी तभी ना भैया, इसे जहाँ होना चाहिए वहां से पहुंचा दीजिए।
कमीनी साले, अब तक जो भी दुश्मन थे सबको मैंने साफ कर दिया, अब कोई अड़चन नहीं। अरे ओफो, अरे क्या कर रहा है, कहाँ लेके जा रहा है मुझे, अरे कहाँ? पता नहीं किसका बच्चा है, मंदिर की चौखट पे छोड़ के चले गए। रो मत बेटे, रो मत, रो मत। मैं क्या करूं, हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुमने अपने रूप में आकर इस बच्चे को मेरे हवाले कर दिया। चाहे जिसका भी हो पूछताछ करके सौंप दूंगा। कब तक ये कानून की किताब पढ़ोगे? हमें ये जायदाद मिल सकती है कि नहीं ये बताओ। अबे गिरगिट, हमें इंग्लिश नहीं आती इसलिए तो तुझे पढ़ने को कहा है। आधे घंटे से पढ़ रहा है, पता नहीं इसमें क्या ऐसा लिखा है। आधा घंटा पढ़ने के बाद मुझे बात समझ में आ गई बिल्ला। अच्छा, क्या समझ आ गया? कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, बीच में कहीं हिंदी क्या ढूंढता हूँ। माँ जी, वो पोस्टमैन से करा रहा है। दीदी अब तो शुरू हो जा। बेटा बेटा, ऐसा होगा मैंने सोचा ही नहीं था, भगवान ने उन दोनों को ही उठा लिया। मेरी बहन की तरफ आप लोगों का प्यार देखकर मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं आया था। जानता हूँ जानता हूँ, अपनी बहन की जायदाद के बारे में जानने आए हो ना। हम भी यही सोच रहे हैं कि उस जायदाद को कैसे बांटना है। जब वो दोनों ही नहीं रहे तो हम इस जायदाद का क्या करेंगे? सब कुछ तुम्हारे हवाले करके हम किसी तीर्थ यात्रा में चले जाएंगे। मैं यहाँ आया हूँ जायदाद के लिए नहीं। मेरे भांजे को मेरे हवाले कर देंगे तो मैं उसको पाल लूंगा। क्यों रो रही है? मैं क्या बोलूं बेटा, भैया तू ही बोल रहा। नहीं नहीं, मुझसे बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, मैं नहीं कह पाऊंगा। गिरगिट तू ही कह ना। सिर्फ बच्चे के गले में जो सोने का हार था वही नहीं, वो काम वाली बच्चे को भी साथ में उठा के ले गई। क्या बोल रहे? हाँ बेटा, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई थी पर अब तक उसे ढूंढ नहीं पाए। सोने की चेन जो बच्चा पहना था वो तो ले ही गए, साथ में बच्चे को भी उठा के ले गए। मैं चलता हूँ। रुको ना, खाना खा के जाना। क्यों रे गिरगिट, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू भी एक्टिंग करता है। पत्नी की याद में आंसू आ गए। मुंह खोलो। गुड गर्ल, बैठ जाओ। टैबलेट दे दी है? दे दी ना। 5 सालों से इसने कुछ नहीं कहा लेकिन आजकल हमारी बातों पे रिस्पॉन्ड करती है। आई एम हैप्पी शी इज इम्प्रूविंग। பஞ்சனேயம் அரிபாடலானனம் காஞ்சனாதிரீ கமனிய விக்கிரகம் பாரிஜாத தர்மூல வாசினம் பாவயாமி பவமானந்தனம் மனோஜவம் மார்த்ததுல்ய வேகம் ஜிதேந்திரியம் புத்திமதாம்பரி। दादाजी, आपने भगवान जी को ये माला पहनाई क्या खास बात है? कल इनकी महिमा से एक बहुत बड़ा केस मैं जीत गया, इसलिए जो मन्नत मैंने मांगी थी तो मैंने स्वामी को माला पहनाई है। क्या?
क्यों दादाजी? क्या है बेटे? भगवान जी को हम जो फलहार चढ़ाते हैं वो हम खुद ही खा लेते हैं, क्या भगवान जी किसी दिन आकर उसे खाए हैं क्या? ओ कैसे बेटे, जो हम चढ़ाते हैं वो भगवान खा लेते हैं ऐसा विश्वास है, बस इतना ही। क्यों दादाजी, मेरे बुलाने से वो हनुमान जी आएंगे क्या? कितने ही सालों से मैं उन्हें बुला रहा हूँ, वो अभी तक मेरे पास नहीं आए, तेरे बुलाने से कैसे आएंगे? अच्छा बाहर कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें मिलकर आता हूँ, तब तक तुम श्लोक बोलते रहना। क्यों मारुति देवता, मेरे बुलाने से आप नहीं आएंगे क्या? अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। राजा मेरे बुलाते ही आ गए ना। मुझे क्यों याद किया, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको वो फलहार खाने होंगे। सिर्फ इतना ही? अब देखो। कपड़े पे पहुंच लिया? ओफो गंदी बात, गंदी बात। गलती हो गई, गलती है। अच्छा ये क्या है? इसे कहते हैं गदा। देखो मेरा बल, इस बल के सहारे ही मैंने प्रभु राम और सीता को मिलाया, लंका में आग लगाई, सात समुंदर में यूं उड़ के गया। सात समुंदर पार किए? ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी पार कर लूँगा। सुनो मेरे साथ खिलवाड़ नहीं। अच्छा पार करके दिखाओ। दो तीन चार पाँच छः सात। हाँ सात समुद्र तूने पार कर दिए। हाँ जब आपने किया तो बड़ा रौब जमा रहे थे, इसके लिए सर पे एक मुकुट, हाथ में एक गदा और पीछे एक पूंछ भी है आपकी। बेटे राजा जल्दी आओ बेटे, तुम्हारे दादा आ रहे हैं, मैं बाद में मिलूंगा। मारुति मारुति रुक जाओ ना, मेरे दादा से मिल के जाओ। नहीं बेटे, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों को ही देखूंगा, जिस दिन बिना किसी स्वार्थ के वो मेरे मन से भक्ति करेंगे उस दिन मैं उनको साक्षात दर्शन दूंगा। अच्छा चलो श्री राम। मैडम। यस डॉक्टर गिरिजा। मैं हूँ। किसे बुला रही हैं आप? मैं बुला रही हूँ। मुझसे शादी करोगे? कर लो ना मुझसे शादी। क्या कर रही हो? मुझसे शादी कर लो ना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे छोड़ दो। अच्छा फिर बैग दे दो, दे दो ना मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। अरे मेरी बैग, मेरी बैग दो, मेरी बैग। अरे मेरी बैग दो। रुको गौरी, मेरा भांजा कहाँ है? मेरा भांजा कहाँ है गौरी? कहाँ है बताओ? बताओगी कि नहीं? बताओ, बताओ मुझे, फौरन बताओ, बताओ, बताओ। छोड़िए, बताओ, छोड़िए, छोड़िए इसे। उस लड़की की दिमाग की हालत ठीक नहीं है और आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। सॉरी डॉक्टर। कम विद मी। Thank you.
मेरी बहन के घर में काम करती थी। लोगों ने कहा कि मेरे भांजे को लेकर ये भाग गई है। उसके बाद आज ही देख रहा हूँ, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया डॉक्टर। ये यहाँ कैसे आई डॉक्टर? 5 सालों पहले पहाड़ के पास ये पड़ी मिली थी, गाँव वालों ने लेकर आके यहाँ भर्ती किया। सर पे गहरी चोट लगने की वजह से ये सारी पुरानी बातें भूल चुकी है, अब धीरे धीरे रिकवर तो कर रही है। ये बात है, ये पूरी तरह ठीक होने के बाद ही सच्चाई क्या है जान पाऊंगा। तब तक मैं यहाँ आकर देखता रहूंगा। ठीक होने के बाद इसे मेरे हवाले कर दीजिए। ओह श्योर, थैंक यू डॉक्टर जी। ठीक है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। कहो। गुड मॉर्निंग सर। क्यों भाई शेखर, तुम्हारे भांजे के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, गौरी के ठीक होने के बाद ही मेरे भांजे के बारे में पता चलेगा। अंकल, जब तक वो नहीं मिलता आप मुझे ही अपना भांजा समझ लीजिए। ठीक है, चलता हूँ सर। खुश रहो। दादाजी, वो लड़का कहाँ गया होगा? किसे मालूम, सब भगवान जानता है। तुम लिखो बेटे। प्रणाम मारुति, आप यहीं पर ही हैं? मारुति मारुति, आप मेरे साथ ये एग्जीबिशन देखने चलेंगे ना? आओ ना मारुति, आओ ना मारुति। नहीं आओगे तो आपसे कट्टी। हाय मारुति। क्या बात है बेटे, मेले में घूमने के लिए आए हो? जी हाँ। अच्छा चलो चलते हैं। इस भेष में? इस भेष में भी आऊंगा और भेष बदल बदल कर भी मैं आऊंगा। वो दूसरा कौन सा भेष है? अभी दिखाता हूँ। जरूरी सूचना, नीले कपड़ों में चड्डी पहने हुए और पीले रंग की शर्ट पहने हुए एक 6 साल का बच्चा लापता हो गया है। क्या बात है बेटे? बेचारा वो लड़का, अगर उसे माँ बाप नहीं मिले ना तो वो अनाथ हो जाएगा। बेटे मेरे भी माँ बाप नहीं है मारुति, यानी मैं अनाथ हूँ ना? नहीं राजा, तुम्हारे भी माता पिता थे। तो ये बताइए वो कहाँ गए? बताता हूँ। रो मत बेटे, उन पापियों से बदला लेने का समय आ चुका है। मैं ही स्वयं उनके घर में घुसकर उनको अच्छा पाठ सिखाऊंगा। मारुति मारुति, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। नहीं राजा, जब ही तुम्हें वहाँ बुलाना होगा तभी बुलाऊंगा, तब तक धीरज रखो। ठीक है मारुति। राजा, मैंने जो बात तुमसे कही है, बात तुम किसी से नहीं कहोगे, इसका मुझे वचन दो। अरे नींद आ रही है, आंख थोड़ा मूंद लेता हूँ। चुबे, तुमको और कोई काम ही नहीं है, कभी बंद करो कभी खोलो। क्यों रे गिरगिट, खाना बनाने वाला आदमी चाहिए था, कहा था ना अभी तक कोई नहीं दिख रहा। फिक्र मत कीजिए। तो क्या तुम खाना पकाओगे? कौन खाएगा कौन? कोई ना कोई भूला भटका आ ही जाएगा। कौन हो तुम? आपके घर में रसोईया चाहिए, ऐसा मेरा विज्ञापन पड़ा था पेपर में। ये रहा गधा, डबली। रहने वाले कहाँ के? प्रयाग के। वहाँ भी मारुति है, अयोध्या के पास प्रयाग, वहाँ पर मेरे सगे संबंधी भी हैं। मेरे एक नहीं दो नहीं हजारों मेरे रूप हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरे लोग फैले हैं। सिर्फ खाना पकाना जानते हो या घर का कोई और काम भी जानते हो? सब काम जानता हूँ, सिर्फ घर का काम नहीं जानता। आपके कोई सगे वाले लंका में है क्या? बताइए, तुरंत मैं उड़कर उनको यहाँ लेके आ जाता हूँ। वेरी गुड, पगार कितना चाहिए? वेतन वेतन क्या होता है, जो जी में आए दे देना। लेकिन एक बात, मुझे काजू का लड्डू बहुत पसंद है। काजू का लड्डू? बेसन का लड्डू सुना है, बूंदी का लड्डू सुना है, मोती का लड्डू सुना है। ये काजू का लड्डू क्या है? काजू का लड्डू। सिर्फ इतना ही नहीं, पान तुलसी के पत्ते मुझे बहुत पसंद है।
चुप कर। सुन, पूरा महीना छुट्टी के बगैर काम करेगा क्या? अभी से भाव खा रहा है। शनिवार शनिवार मुझे छुट्टी चाहिए। उस दिन मुझे काफी लोग मिलने आएंगे और मैं उनको मिलूंगा। अरे सुनो, तुझे नहीं तुमसे कुछ कहना नहीं कहना सब एक ही है। बिल्ली रानी, क्या बात है? हमारे घर की हालत ऐसी है कि कोई भी काम के लिए नहीं आएगा, इसलिए इसी को काम पे लगा लेते हैं। पहली बार समझदारी की बात की है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? रंगा। रंगा, आज से ही काम पे लग जाओ, तनख्वाह की बात बाद में कर लेंगे। भैया, इसे अंदर ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या, सभी लोग सीधा खुजलाते हैं लेकिन ये तो यूं उल्टा खुजला रहा है। क्यों बे, पिछले जन्म में बंदर था, फिर से बंदर कहाँ? तो भूचाल आ जाएगा। बंदर का की पुकारा तो क्या करेगा, ये तो समय ही बतलाएगा। ये क्या, ये भी उल्टा खजवाने लगा है बंदर की तरह? फिर से बंदर कहाँ तो भूचाल आ जाएगा। क्या करेगा, ये तो समय ही बताएगा। पोस्ट मास्टर, गौरी अभी ठीक हो गई है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। और एक बात, गौरी की बहुत अच्छी तरह से तुम्हें देखभाल करनी होगी, और जो मैंने मेडिसिन लिख कर दी है इसे ठीक से देते रहना। बहुत जरूरी काम है, जल्दी आइए। कहा क्या बात है बहन? ऐसा कुछ नहीं वकील साहब, इस जायदाद का कोई वारिस नहीं है, 5 सालों से हम ही देखभाल कर रहे हैं। इसलिए इस जायदाद का वसीयतनामा हमारे नाम ही हो जाए, इसका कोई न कोई उपाय आप ही निकालिए। वसीयत का वारिस कोई नहीं आप कह रहे हो, लेकिन अगर कोई कल का दिन आ गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे कैसे कह रहे हैं, बच्चे के माँ बाप तो बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए हैं और बच्चे को नौकरानी उठा के ले गई गई, अब वापस कौन आने वाला है? हो सकता है बच्चा जिंदा वापस आ जाए। तू चुप कर रहे, उस बच्चे के जिंदा होने की कोई चांस ही नहीं है। क्या कहती हो दीदी? हाँ बिल्कुल सही, वो बच्चा जिंदा हो ही नहीं सकता है। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या पूछे कैसे आ गया? इस पूरी जायदाद का मैं ही तो अकेला वारिस हूँ, यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? वारिस? वकील साहब, कौन है ये लड़का? इसे मैंने ही पाला है। अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा घर है, मेरे माँ बाप को इन पापियों ने मार डाला है। मुझे भी मारने की कोशिश की पर मारुति भगवान ने मुझे बचा लिया। भगवान ने इसे बचाया? लगता है इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया है। यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, पागलों की तरह खुद को इस जायदाद का मालिक बताता है, इसे डॉक्टर के पास ले जाइए। मुझे पागल कहा? बिल्ली माई। दीदी, ये तो तुम्हारा नाम बिल्कुल सही बता रहा है। तुम्हारी दीदी का नाम क्या, तुम्हारे बाप का भी सही नाम बताऊंगा, गणेश है ना उसका नाम। तुम दोनों का असली नाम बता दिया इसने, यानी कि सारी संपत्ति का इकलौता वारिस यही है। हम दोनों का नाम बताने से काफी नहीं है, उसे अपने माता पिता का नाम बोलने दो। ए, तुम अपने माँ बाप का नाम बता, चल। मेरे पापा का नाम कृष्णा था और माँ का नाम लक्ष्मी था, बस इतना ही है। वो कैसे मरे ये भी बताऊँ आपको? दीदी, बच्चे की बात सुनकर तो मुझे डर लग रहा है, पहले वकील साहब को बाहर भेज देते हैं, बाद में इसको देखते हैं। वकील साहब, आप घर जाइए, इस बच्चे की घर में रहने की इच्छा है तो रहने देते हैं, हम बाद में बैठकर फैसला कर लेंगे। क्यों बेटे, तुम यहीं रहोगे? आप जाइए दादाजी, मैं इन्हें देख लूंगा। आप जाइए, मैं संभाल लूंगा। क्यों बेछटंकी, इस जायदाद का मालिक तू है? रास्ट! अरे क्या हो गया भैया, अरे क्या हो गया तुम्हें, अरे क्या हो गया भैया, अरे ये हाथ ऐसे क्यों उठा के रखा है, अरे क्या हो गया तुम्हें, बोलने क्यों नहीं, अरे कुछ तो बोलो भैया, ये कैसे खड़े हो तुम, क्या हो गया तुम्हें? बेटा, इस घर के बारे में सबके बारे में सही बताया, जरा मैं कौन हूँ ये तो बताओ। बताता हूँ, बुद्धू, मन में कुछ नहीं रखते, जो मन में आता है बोल देते हैं, आप सबसे अच्छे दादू हैं। बेटा, तुम सच्ची में कृष्णा के ही बेटी हो, मैं विश्वास करता हूँ।
भगवान ने बड़े ही अच्छे समय पर तुम्हें इस घर में भेजा है बेटा। मुझे जो यहाँ पे लाए हैं वो भगवान कौन है पता है? भगवान कौन है वो? ये रहस्य किसी से न कहना, इसे कोई सह नहीं पाएगा। ए तू लंगूर की औलाद, तुझे गाने को किसने कहा? बेटा तुम छोटे बच्चे हो, इस घर में रहने वाले इन पापियों से तुम कैसे निपटोगे? आप चिंता मत कीजिए, मारुति भगवान मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। ए, मारुति जो है वो आंजनेय स्वामी है, हनुमान जी का दूसरा अवतार। तू तो ऐसे बात कर जो तू भी हनुमान का ही दूसरा रूप है। मैं और मारुति एक ही है, तुम तो अकल के अंधे हो। ए, भारतवर्ष में जहाँ भी जाओ सब जगह एक ही मिट्टी है। जो भी हो, कम से कम इस घर में पहला मर्द एक बच्चे के रूप में आया है। मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? बताता हूँ, बच्चे को मारने की तैयारी कर ली है। क्या कर रहे हो भैया? फैन का स्क्रू मैंने खोल दिया है, कुछ ही देर में खाना बनाने वाला उस बच्चे को लेकर इस बेड पर लाकर सुला देगा। उसके बाद वो क्या करेगा, फैन को ऑन करेगा। फैन चलेगा नहीं, बल्कि वो फैन उस सोते हुए बच्चे के ऊपर गिरेगा और बच्चा सब तुम्हारी दुआ है। अरे अरे वो आगे बच्चे को लिटा दिया, अब वो फैन ऑन करेगा। बहुत कर दिया बेटा, अब इतना दौड़ते नहीं बनता है। देखो दौड़ दौड़ के पसीना बाहर आ गया। वो कैसे? तुम नहीं थके? ये सब इस बावर्ची की वजह से हुआ है। ओ, ये बात है तो बच्चे से मुझे भगाने के लिए तुमने कहा था। आपके भागने का कारण मेरी रसोई नहीं है, ये सब तो मेरी ट्रेनिंग का असर है। ट्रेनिंग का असर? अरे रे शू गंदा हो गया। तो क्या हुआ बेटा, जूता उतारो मैं साफ कर देता हूँ। आप नहीं, दादी को बुला के साफ करने को कहिए। दादी को? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अगर इतनी हिम्मत होती तो मैं इस तरह से घर में कुत्तों की तरह क्यों ट्रीट किया। आपको हिम्मत चाहिए बस इतना ही ना। जय मारुति कह के बोलिए। जय मारुति? हाँ बच्चा कह रहा है ना, बोलिए। बोल के देखता हूँ। जय मारुति, जय मारुति, जय मारुति। आप में हिम्मत आ गई ना? बिल्कुल आ गई। तो दादी को बुला के जूते साफ करने को कहिए। बुलाता हूँ। एविली, एविली, ए बुढ़िया विल्ली। अरे 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 ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है, राजा का शू गंदा हो गया है, जरा उतार के साफ कर दो। क्या इस लड़के के जूते मैं साफ करूं? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझसे ऐसे बात करोगे? क्यों साफ कर देगी तो तेरे बदन का मोटापा कम हो जाएगा क्या री? क्या री? इतनी हिम्मत आ गई कि तेरी जबान मेरे सामने इस तरह चलने लगी? जवानी नहीं, हाथ भी चलेगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे ये ले। अरे क्यों मार रहे हो मुझे? अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे क्यों मार रहे हो? तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? मैं इसके जूते साफ नहीं करूंगी। करना ही पड़ेगा। दादी साफ करेगी या नहीं? साफ कर रही हूँ। That's good। शादी होने के बाद मेरी शराफत का फायदा उठा के मुझ पे जुल्म के जुल्म ढाई। जुल्म की भी एक सीमा होती है, अब से अगर इस तरह की कोई हरकत की तो तेरे दांत तोड़ कर रख दूंगा।
समझ गई? चल रही, जा, जा रही। अभी मैं मर्द हो गया, अभी मैं मर्द हो गया, अभी मैं मर्द हो गया। तेरा तो हाथ पूरा लोहे का लगता है रे मोटू। आत्मविश्वास है। पेट में चूहे उछल रहे हैं। अरे राजा, कब से बैठा मैं डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा हूँ, तू कर क्या रहा है? आप ही के लिए खाना ला रहा था। वेरी गुड वेरी गुड, डाइनिंग टेबल पर लेके आ। एक और बात, उन बेकार लोगों के लिए डाइनिंग टेबल की क्या जरूरत है, कुत्तों की तरह जमीन पे डाल देते हैं। कौन है वो? हमारे छोटे बाले। वो छटंकी ऐसा बोल रहा है और तू मजाक कर रहा है? मैं तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। गुरु, गुरु, क्यों गुरु, भूख लगी है? खाना बेकार जा रहा है ना, खा ले इसे। खा ले बेटा, मेरी बात मानता है ना, खा ले इसे। अरे खाना खा, खा इसे, खा इसे। मर्यादा के साथ थाली में दिया था, अब कुत्ते से भी बेहतर हालत हो गई। खा इसे। जब से वो लड़का इस घर में आया है, हम ठीक से खा पी भी नहीं सकते हैं। ऐसा बोल बोल के अभी तक 10 केले और 20 अमरूद पेट के अंदर घुस गए। हरी राम, हरी राम। ऐसे कूदेगा फूदेगा तो पूरा बंदर बन जाएगा। जो कुछ मैंने सुना वो क्या सच है? एक छोटे से बच्चे ने आपको सबक सिखा दिया, एक बार उसे मेरे सामने लाइए, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। आजा मेरे राजा, अब बताता हूँ तेरा बाजा। क्यों रे, राइमिंग में बोलेगा तो तेरा टाइमिंग अच्छा होगा क्या? जिस बच्चे के बारे में मैंने सुना क्या, वो तू वही है? तू ही काशी का लोफर खान पंडित है। हैं? इसको मेरा नाम कैसे पता चला? कुछ देर में तेरे बाप का भी नाम बताएगा। वो कैसे बताएगा ये? क्यों? उसमें काफी कन्फ्यूजन है। आज के बाद इस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं कहना। ओहो, तो आप उस बच्चे के वकील है क्या? कहूंगा जाबे काले लंगूर, मुझे काला लंगूर कहना नहीं, कहना नहीं, कहना नहीं। इसके पहले अदालत में हाजिरी देते थे। कहूंगा एक बार, कहूंगा दो बार, कहूंगा तीन बार। इसके पहले नीलामी करते थे। अबे जा काले लंगूर। चलो राजा। क्या बंदर की तरफ फुदक रहा है? अरे तू तो वाकई लंगूर बन गया है। क्या कर रहा है? अरे 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 अरे, पाल पकड़ लिए इस बंदर ने मेरे। हरे राम। अरे चाहती हूँ मैं यहाँ से। अरे अरे छोड़, मेरी साड़ी छोड़ दे। गौरी, मैं कहाँ हूँ? गौरी, गौरी, तुम्हें सब याद आ गया? गौरी क्या हुआ था,
बताओ बताओ गौरी बताओ। बच्चा गुड़िया। बताओ गौरी बताओ क्या हुआ था। बताती हूँ, उन पापियों ने तुम्हारी बहन को मेरी बहन को बर्बाद करने वालों को मैं हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दीदी मुझे तो लगता है कि उस बच्चे में कोई अपार शक्ति है और उस अपार शक्ति के होते हुए हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी शक्ति उसे छीनने का कोई तरीका नहीं है क्या भैया? है, पता भी कर लिया है। दीदी पास के ही गांव में एक झाड़ फूंक करने वाला ओझा रहता है, वो अपनी ओझा गिरी से बड़े बड़े भूतों के छक्के छुड़ा दिए हैं। अगर हम उनसे जाके मिले तो कोई न कोई रास्ता निकल ही जाएगा। दीदी तो चलो उसे जाके मिलते हैं। मेरी बहन के मौत की जिम्मेदार कौन है पता चल गया? मेरे दामाद के मौसी और उसके भाई ने ही मारा है। मौसी और भाई ने? उन्होंने खून किया है, इसका क्या सबूत है? गौरी ने ठीक होने के बाद सारी हकीकत बता दी। मेरी बहन और राजा का क्या हुआ पता नहीं। मैंने जिस बच्चे को पाला था वही उस घर का मालिक है कह के उसी घर में रह रहा है। हो सकता है वो तुम्हारा भांजा हो। ये बात है, चलो फौरन जाके देखते हैं। चलो भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी डर क्यों रही हो, मैं हूं ना, डरो मत। नमस्ते जी। कौन हो तुम? पास के गांव से आए हैं हम लोग। क्या बात है? कुछ नहीं, अब जिस लड़के को हम मरा समझ रहे थे वो हमारे घर में आकर रह रहा है। हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमसे सहा नहीं जा रहा अभी। कौन है वो? वो कोई और नहीं, जिस जायदाद को हमने हड़पा है उसका इकलौता वारिस है वो। वो कौन है पता है? इसका रिश्तेदार जो कृष्णा मर गया है ना, उसी का गोद लिया बेटा है वो। गोद लिया बेटा? हाँ हाँ स्वामी, कैसे भी हमें उस बच्चे से बचा लीजिए, आप ही का भरोसा है। इस महामंत्रवादी पर जो कोई भी विश्वास करता है उसका विश्वास जरूर पूरा होता है। जैसे ही तुम मेरी शरण में आए तुम्हें शांति और उसकी समाधि। यही है हमारा घर। तुम्हारे घर के अंदर जरूर कोई अद्भुत शक्ति है, वो क्या है देखता हूँ। राम राम, कोई ऐसा सेवक है जो राम का बहुत भक्त है वही उसकी सुरक्षा कर रहा है, उसके पास से वो शक्ति हटा के मैं उस बच्चे को बाहर लेके आऊंगा। जय राम जय राम जय राम। मारुति मारुति कहाँ जा रहे हो? बाहर मेरे भक्तगण रामधुन गा रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं भी उनके साथ जाके रामधुन गा के वापस आता हूँ। रामधुन श्री राम। ये लकीर किस लिए खींची? ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, किसी भी कारणवश तुम इसे पार मत करना।
मैं चलता हूँ। राम धुन लागी। अभी तक उस बच्चे की सुरक्षा करने वाली शक्ति तुम्हारे घर का रसोईया था, उसे मैंने अपनी शक्ति से बाहर भेज दिया। अभी उस बच्चे को बाहर लेके आता हूं। राम भक्त ने उसके बचाव की सीमा बनाई है, तो इसे बाहर ले आने का एक ही रास्ता है। राजा। हाय दादाजी। ये क्या दादाजी इस वक्त आए हैं? तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए बेटे, तुम्हें देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आओ, आ जाओ, नजदीक आओ, 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 आ जाओ। आ जाओ बेटे, आ जाओ, मैं ही बुला रहा हूँ, आ जाओ ना बेटे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब हम कहाँ जाएंगे दादाजी? तू बहुत ही होशियार बच्चा है ना। ये क्या, अंदर तो स्वामी गए थे, अब वकील साहब बच्चे को ला रहे हैं? वही तो दीदी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। नमस्ते नमस्ते। क्यों डर गए? वही तांत्रिक हूँ, वकील के रूप में जाकर इस बच्चे को लेकर आया हूँ। वकील के बेस में जाकर उसके पास ले आया। ड्राइवर गाड़ी रोको। वकील साहब, वकील साहब। साहब आप असली वकील ही है ना? हाँ, आपको शक क्यों हो रहा है? उसका कारण है ना, घर से अभी अभी राजा को पकड़ के एक मंत्रवादी मारने के लिए ले गया। तांत्रिक? हाँ बेटा, राजा को मारने के लिए मंत्रवादी को लाने वाले विल्ली और उसका भाई हैं। वो कहाँ लेकर गए हैं बच्चे को? पास के ही शमशान में ले गए हैं, अगर हमने जरा से भी देर कर दी तो बच्चे को मार डालेंगे। शेखर, तुझे ही बच्चे को बचाना होगा बेटे। चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उस बच्चे को बचा लूंगा। क्यों रे, वहां जाकर अपनी जान क्यों देता है? यहीं दे देना। बिल्ला जरा देख इन्हें। Ram Jayam Sri Ram Jayam 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 Ram
तुम्हारी कमा देंगे। दीदी जल्दी करो, हम यहां से भाग लेते हैं। बैठो बैठो। भैया